हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपनी एड्स को जो भी वो बेचना चाहते हैं उसको लिस्ट कर सकें, दूसरे यूजर्स उसको सर्च कर सकें, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहां पर कोई भी यूज़र अपनी वहाँ पास एड्स क्रिएट कर सकता है। आप डिफरेंट कैटेगरीज अपने एडमिन पैनल से डाल सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, फोन्स एंड टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। सो कोई भी यूज़र जो कुछ परचेज करना चाहता है वो सिंपल उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके उसके बारे में जो भी हमारे पास एड्स लोगों ने डाली हैं वो उन सारी एड्स को देख सकता है, कि ये कोई सेल के लिए है या नहीं है एंड ऑल। तो इसमें आप वहाँ पर जो डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं, कि कहाँ से लेके कहाँ तक, किस प्राइस रेंज में या किस पर्टिकुलर कैटेगरी में, किस पर्टिकुलर सिटी में, और बहुत सारे फिल्टर। नाउ अभी मेन बात जो आपके माइंड में होगी कि चलो ठीक है, इसमें यूज़र आके अपना पोस्ट कर देंगे और जिन लोगों को परचेज करना होगा वो लोग आके अपना परचेज कर लेंगे, उस प्रोडक्ट्स को देख लेंगे, तो इसमें आपकी इनकम कैसे होगी, राइट? सो दोस्तों, उसकी इनकम के लिए आपको इसमें बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं। पहला चीज़ तो ये है आपका प्राइसिंग मॉडल। ये प्राइसिंग मॉडल आप खुद कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि किसका ऐड कितने दिनों के लिए रहेगा, उसको कितने इमेजेस अलाउड हैं, कहाँ पर उसका प्रोडक्ट दिखेगा, होम पेज पे दिखेगा नहीं दिखेगा, कैटेगरी में दिखेगा नहीं दिखेगा एंड ऑल। और कोई भी यूज़र हमारे पास ऐड के हिसाब से इस प्लान को परचेज कर सकता है। आप अपनी प्राइसिंग खुद से डिफाइन कर सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी आप डिफाइन करना चाहते हो। तो ये तो चलो आपका हमारे पास फ्रंट एंड हो गया। मैं अब आपको एडमिन पैनल का एक बार एसेस करा के एक बार दिखा देता हूँ कि एडमिन पैनल में चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। सो नाउ लॉगिन के बाद आप देख सकते हैं, लॉगिन के बाद यहाँ पर आपके पास टोटल अनएक्टिवेटेड एड्स कितनी हैं, एक्टिवेटेड एड्स कितनी हैं, टोटल यूजर्स कितने हैं, टोटल कंट्रीज कितनी हैं, तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। एड्स में जाने के बाद आपको एड्स की सारी लिस्ट, उसी कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में क्या है, जिन कैटेगरीज में आपसे दिखाया था कि आप ऑटोमोबाइल एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इन सारी कैटेगरीज को आप ऐड, एडिट, डिलीट आप सब कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर आप सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम फील्ड्स भी डाल सकते हैं, तो ये आपको पूरा फीचर मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा आपको जैसे पेमेंट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टोटल पेमेंट्स किसने की है, कितनी करी है, कितने पेजेस की एड्स के लिए करी है एंड ऑल दोस। सो ये आपको एक आपका पूरा अर्निंग मॉड्यूल आपको अपने एडमिन पैनल में दिख जाता है। उसके अलावा आपको पेजेस में जाके जो आपके बेसिक पेजेस होते हैं आप उन सारे पेजेस की डिटेल देख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एंटी स्पैम, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड ऑल। बाकी अगर आप सेटअप में जाते हैं, सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ों की चीज़ें मिल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि जनरल सेटिंग, होम पेज, लैंग्वेज सेटिंग, मेटा टैग्स, पैकेजेस, पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में मेनली पेपैल एंड स्ट्राइप आपका एक्टिवेटेड रहता है। बाकी उसके अलावा पे यू मनी, जो जो आपको एक्टिवेट करना है आप वो यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। सो उसी के हिसाब से आपके यूज़र आपको पे कर सकेंगे। तो अगर मैं लैंग्वेज सेटिंग की बात करता हूँ, लैंग्वेज सेटिंग में आपको सारे लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे ऑप्शंस। तो जो आपको लैंग्वेज एक्टिव करनी है आप वो एक्टिव कर सकते हो। जनरल सेटिंग में अगर आप जाते हो तो जनरल सेटिंग में आप हमारे पास जो एप्लीकेशन स्टाइल, लिस्टिंग सर्च, मेल, SMS, हर चीज़ की इसमें सेटिंग आपको अलग तरीके से दी गई है, जैसे भी आपको दिखाना है आप वैसे दिखा सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप अपना लॉन्च करना चाहते हो एक प्लेटफॉर्म जहां लोग बाय और सेल कर सकें, जो उनके आसपास के लोग हैं, सो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहां पर लोग लिस्टिंग कर सकते हैं, लोग बाय सेल कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। सो अगर आप ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, जो दिए हुए नंबर्स हैं। हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं।